बच्चों आज मैं आप लोगों को पार्ट दो दादी माँ पढ़ा रही हूँ। आप लोग अपनी पुस्तक खोल के ध्यान से सुनिए मैं कैसे पढ़ रही हूँ। उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मोहवर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी इन उन बातों को देख ना सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की सी किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना चुभती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। कुआर का मतलब होता है एक प्रकार, एक माँ का नाम है जिससे हम लोग अगहन बोलते हैं। हिंदी में जैसे हम लोग इंग्लिश में 12 मंथ्स होते ना बोलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, वैसे हिंदी में भी 12 माह होते हैं। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन। तो कुआर भी जो है वो एक मंथ का नाम है। जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरी दे रहा है। दूर के सीमांत से बहकर आए हुए मोथा और साई की गली घासे घऊर घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ, लाई किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग मुरमुरा बोलते हैं, जिससे मुरमुरा कहते हैं, लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस है, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन तो दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा, ज्वर मींस होता है बुखार, फीवर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जल जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात भर 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्या टपक सद्या मिस पानी की बूंदें, टपके हुए जल की शीतलता, आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर पकड़े कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर जल का अनुमान करती, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को बवई गाँव की 500 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया सरसाम निमोनिया तक का मान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विश्व चुका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती।
बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पका कर खिचड़ी या साबुन। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी दे जाते हैं और पुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई। तिताई मीन्स होती है कड़वी, जिसको पीने से कड़वापन महसूस होता है। तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहते, सारा घर जैसे उन्होंने सर उठा लिया हो। पड़ोसनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना माना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करो तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति व्यस्तता विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धनो, रुपए मैं सूद के आज ही दे दो, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाग रड़ दी, फिर किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का अर्थ होता है उद्धार, कल्याण। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई। जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विवल होकर कहा उरिन हो गई बेटा भगवान बालक। उरिन का अर्थ होता है उरिन होना, मतलब कई लोग इंटरेस्ट पे ब्याज पे रुपया लेते हैं और जब उसको दे देते हैं तो उरिन हो जाते हैं, यानी कर्जा मुक्त हो गए। तो रामी ने लेखक की दादी ने उसकी बेटी बेटी की शादी में जो पैसा लिया था रामी की चाची ने, वो उन्होंने नहीं लिया, बल्कि उसकी शादी के लिए 10 रुपये तो बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने लेखक के मिलने पर कहा कि दूधो फलो दूधो पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दिया। जब लेखक ने पूछा तब रामी की चाची ने कहा कि पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी लेखक की दादी ने पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हसाई ना हो, देवता है बेटा देवता है। यानी जिस लड़के के साथ उसकी लड़की की शादी हो रही थी वो बहुत ही अच्छा था और उन्हें देवता के समान लग रहा था, सभ्य था। उस रोज तो बहुत डांटे थी, मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस स्तर पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अपने भी होता है, यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसी विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्याएं दिखाए जाते हैं। पहले के लोग इसी तरह के कार्यक्रम करते थे, जब किसी के यहाँ शादी विवाह होता था उत्सव होता था तो वे लोग इसी तरह के कार्यक्रम करके उन्हें आशीर्वाद देते थे। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। रात औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पता, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस लूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भिड़ा पड़ गया। देखो की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी ये कौन बच्चा सोया हो रहा है। बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो, हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ
मिली कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभ्यर्थ मिल जाता, मतलब क्षमा कर दिया जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ एक एक बात आज भी कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बदला चक्र जीवन को सूखे पत्ते का सा लगता है, सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता की स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के शारमिल दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की सी घड़ियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनके स्नेह का तड़ाकों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू यहाँ पे बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछू, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, कुछ? तुम रोती थी ना? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल खाया ना, चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझसे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, सचमुच मुझे दादी माँ शाभ्यस्त देवी सी लगने लगी। धुंधली छाया में लीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ा है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक होगा अपनी धुनौनी काली आंखें काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। जब मैं हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, काली चीटियों सी कतारें धुमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? बच्चों आप लोग देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। चित्र में बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, अनुमान लगाओ कि बच्चे खुश क्यों हुए होंगे। तो इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं बच्चे खुश है, क्यों खुश है? क्योंकि दादी माँ उन्हें कहानी सुना रही है। चित्र में बूढ़ी औरत क्या कर रही है? चित्र में बूढ़ी औरत बच्चों को कहानी सुना रही है। अपनी दादी जी के बारे में बताओ, तो ये आप लोग को मालूम कि आप लोग की दादी कैसी है वो आप लोग को मालूम है। आगे देखिए, लेखक को अपनी दादी माँ की क्यों याद आती है, आपको किसकी याद आती है? माँ, दादी माँ देवता समान है, स्नेह मत है, वो लेखक को बहुत प्यार करती हैं। वो स्वभाव देखने में उस स्वभाव की बहुत तेज लगती हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही दयालु हैं। सबके प्रति उनको बहुत ही प्रेम है। उनको कुछ जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है। अगर कोई बीमार पड़ता है घर में तो भी उनकी देखरेख अच्छे से करती हैं। आस पड़ोस में भी अगर कोई बीमार होता है तो वो वहाँ पे भी जाके उनकी देखरेख करती हैं, उन्हें जड़ी बूटियों वाली जो दवा उनके पास होती है वह उन्हें देती हैं। वो सबको खुश रखना चाहती हैं, सबको प्रसन्न देखना चाहती हैं, और इसीलिए लेखक को दादी माँ बहुत प्यारी लगती है और उन्हें बहुत याद आती है।
एक बार भी और लेखक ये भी बताता है कि एक बार उनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने पैसों की बहुत तंगी हो रही थी। कोई भी उनके पिता को ब्याज पर रुपया नहीं दे रहा था। पहले भी उनके पिता के बहुत से लोगों का पैसा बाकी थे, तो इस समय कोई भी उनको देने के लिए तैयार नहीं था। तब दादी माँ ने उनको अपने बक्से से एक सोने का कंगन निकाल के दिया था, जो लेखक के दादा ने उन्हें दिया था। उन्होंने बहुत बहुत ही संभाल के रखा था। जब देखा कि मेरा बेटा बहुत ही परेशान है, बहुत आर्थिक तंगी उसको आ गई है, तो उन्होंने उस सोने के कंगन को निकाल कर उन्हें दिया, ताकि वह उसे बेचकर अपनी परेशानी, अपनी कठिनाई को दूर कर सके। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना बताइए जिसे आप हमेशा याद करते हैं। तो अब आप लोग आपके घर में आप अपने भाई बहन से या कोई ऐसी घटना घटी हो, वो आप लोग को अपने ओन से अपने स्वयं लिखना है। आपको अपने घर में किसका स्वभाव अच्छा लगता है, क्यों? सबको मालूम है कि माँ बहुत ही वात्सल्यपूर्ण होती है। उसमें अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति बहुत ही प्यार होता है, बहुत ही विनम्र होती हैं, और किसी को भी कटु वचन बोलने का प्रयास नहीं करती हैं। कोई भी काम वो करने को तैयार रहती हैं। बच्चों को स्कूल भेजना हो, घर में खाना बनाना हो, अपने पति को अब दफ्तर भेजना हो, वो सबके कार्य में हाथ बटाती हैं। इसलिए माँ का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है। अब आगे देखिए, वाक्य पढ़िए, वाक्यों को क्रम से लिखिए, जैसे 1 2 7 दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। ये इसमें पहले कौन सा लग आएगा? फिफ्थ वाला देखिए, 1 2 3 4 5, रजाई पर रजाई और उतर रात 12 बजे के बाद, ये फिफ्थ वाला आएगा। फिर क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये आखिर वाले 6 नंबर आएगा। यहाँ पर किशन के विवाह के दिनों की बात है, इसमें थर्ड नंबर आएगा। तो मतलब क्रम से लिखना है ना, 1 2 3 4 5, पहले 1 में क्या लिखेंगे, लास्ट वाला लिखेंगे, यानी रजाई पर रजाई और उतर रात 12 बजे के बाद। सेकंड में क्या लिखेंगे, बुखार तो मुझे अब भी आता है, मतलब नीचे फिफ्थ वन वाला जो है वो सेकंड लाइन पर लिखेंगे। औरतों ने, और थर्ड जो है किशन की विवाह के दिनों की बात है, ये थर्ड नंबर आएगा। फिर वो औरतों ने उस पर आपत्ति की, ये सेंटेंस किस पर आएगा, फोर्थ नंबर पर आएगा। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी, ये कौन सा किस नंबर पे आएगा, फिफ्थ नंबर पर। क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, ये 6th वन है। यहाँ पर तो 1 2 में, तो पहले में आएगा फिफ्थ, 6 3 4 2 1। अब आगे देखिए, ये सारांश देकर के आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिख लेने। लेखक को अपनी दादी माँ की याद साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक खराब क्यों हो गई थी, ये मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया था। क्योंकि उनके जब उन्होंने उनका श्राद्ध किया था, तो बहुत ही पैसा खर्च कर दिया था जो जितना नहीं करना चाहिए था, इसलिए उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब शब्द भंडार में देखिए, रेखांकित शब्दों के प्राय दो दो लिखिए और वाक्य बनाइए। सूरज, सूरज को क्या बोलते हैं, सूर्य और रवि। तो आपको इन दोनों जो वर्ड पहले लिखिएगा, सूरज सूरज करके डैश करके आप लोग लिखिएगा सूर्य और रवि, तो उनसे आप लोगों ने दो दो वाक्य बनाने हैं। खोलते, खोलते मीन्स होता है उबलते हुए, तो इससे आप लोगों को दो दो शब्द बनाने हैं। थर्ड है दया, दया सहानुभूति कृपा, उससे आप लोग दो दो शब्द बनाएंगे। निस्तार फैला हुआ, विकीर्ण स्नेह प्यार ममता, इसका भी प्यार और स्नेह, इन सबके आप लेकर के आप लोगों ने दो दो वाक्य बनाने हैं। आगे देखिए,
लास्ट में देखिए मैं क्या कर सकता हूं, पाठ का भाव अपने शब्दों में बता सकता हूं। राउंड इस स्तर की गद्य सामग्री का भाव पढ़कर समझ सकता हूँ। राइट इस स्तर के गद्यांशों की व्याख्या करते हुए लिख सकता हूँ। राउंड पाठ के शब्दों को अपनी बातचीत में प्रयोग कर सकता हूँ। राउंड अपनी दादी माँ की कहानी बना सकता हूँ, उनका अभिनय कर सकता हूँ। राइट ये आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा आप लोग को व्याकरण बताती हूँ। बच्चों अब मैं आप लोगों को व्याकरण भाग में कराने जा रही हूं। फर्स्ट है लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट नौकर पानी दे जाता है। बट लिंग, लिंग मतलब जेंडर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोगों को क्लास में बताया गया है। तो नौकर, नौकर क्या है? पुल्लिंग। इसको आप लोगों ने स्त्रीलिंग में बदलना है। तो नौकर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नौकरानी। नौकरानी पानी दे जाती है, क्रियापद में परिवर्तन आ जाएगा। जाता की जगह क्या हो जाएगा? जाती है। नौकर की जगह क्या हो जाएगा? नौकरानी। तो आप लोग सेंटेंस अपने आप लिखेगा, समझ में आया? बात उसके नीचे बात के आप लोग अपने स्वयं लिखेगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। वाक्य हर सेंटेंस के बाद वाक्य आपने अपने ओन से लिखना है। तो फर्स्ट में है नौकर पानी दे जाता है, तो नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नौकरानी। जाता का क्या हो जाएगा? जाती। नौकरानी पानी दे जाती है। सेकंड है भैया की शादी ठीक हुई, तो भैया का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बहन। बहन की शादी ठीक हुई। थर्ड है पड़ोसनी आती है, पड़ोसी नेवर है ना, तो पड़ोसनी ने का क्या हो जाएगा? पड़ोसी। पड़ोसी आता है। फोर्थ है मालकिन किसी पर बिगड़ रही थी। मालकिन, मालकिन का क्या हो जाएगा? लिंग बदलोगे तो क्या हो जाएगा? मालिक। मालिक किसी पर बिगड़ रहा है, क्रिया में भी परिवर्तन आ जाएगा। मालिक किसी पर बिगड़ रहा था। आपकी बुक में और भी बहुत से दिए हैं, तो आप लोग देख करके लिख लीजिएगा। सेकंड वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को बहुवचन में बदलना, बहुवचन को एक वचन में बदलना, ऐसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग से। जो ये वाक्य दिए हुए हैं इसमें आप लोगों ने वचन बदलना है। आप लोगों को देखना, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। मैं मतलब एक खुद स्वयं के लिए, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम, यानी हम बहुत से बच्चे बैठे हैं, जैसे हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। हम चुपके से आंगन की ओर चले गए। इसमें भी परिवर्तन आ जाएगा, क्रिया में भी परिवर्तन आ जाएगा। हम चुपके से आंगन की ओर चले गए। से आप लोग को वाक्य लिखना है, उसके नीचे अपने आप लिखना है। मैंने नंबर इसलिए डाला हुआ है। सेकंड है सभी पार्ट औरतें करती हैं। इसके नीचे अंडरलाइन है औरतें। औरतें क्या है? बहुवचन है। बहुवचन को आप किसमें आप लोगों ने परिवर्तित करना है? सिंगुलर में, एक वचन में परिवर्तित करना है। तो यहाँ होगा सभी पार्ट औरत ही करती है। औरत क्या है? बहुवचन है। औरतें, औरतें बहुवचन है, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है। तो औरतें का क्या हो जाएगा? औरत। सभी पार्ट औरत ही करती है। और इसके नीचे आप लोग लिखेंगे थर्ड है कहो दीदी यह कौन बच्चा सोया है। अब इसके नीचे अंडरलाइन क्या गया है? बच्चा। बच्चा कौन सा वचन है? एक वचन। इसको बहुवचन में बदलेंगे, तो बहुवचन के बदलने के लिए क्या हो जाएगा? बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। कहो दीदी ये कौन बच्चे सोए हैं।
कहो दीदी यह कौन बच्चे, ये कौन, यह का क्या हो जाएगा, ये कौन बच्चे, बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा, बच्चे। ये कौन बच्चे सोए, सोया का क्या हो जाएगा, सोए। ए लिखेंगे सोए हैं। आप बुक में और भी वाक्य दिए हुए हैं वो देख के आप लोग लिख लीजिएगा। फोर्थ है रुपया कोई देता नहीं, और रुपया कोई देता नहीं, कोई का कोई भी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है, उसका बहुवचन कुछ भी नहीं था। तो रुपया का क्या जाए, रुपए, रुपए कोई देता नहीं है। रुपया का वचन आप लोगों ने बदलना है रुपए, रूप ए, रुपए कोई देता नहीं। अब उस आपके अब नीचे देखिए विलोम शब्द, आपकी बुक में नाइन्थ विलोम शब्द बहुत से दिए हुए हैं, ज्यादा दिए हैं, मैंने 5 लिखे हुए हैं, आप लोग अपनी बुक से और भी देख करके लिख लीजिएगा। तो कमजोरी, कमजोरी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ताकतवर, कमजोर, हाँ कमजोर, दूसरे भी ताकतवर है। सच झूठ, शुभ अशुभ, मृत्यु जन्म। अब उसके नीचे मुहावरे लिखकर वाक्य बनाओ। आपकी बुक में जितना दिया है पूरा आप लोगों ने लिखना है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। मजाक उड़ाना, हंसी ठुठा करना, ठुठा करना, जिसका महावाक्य क्या बनेंगे, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। सेकंड परेशान करना, बाधा डालना, मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरा भाई मुझे परेशान करता है। थर्ड जी नहीं होना, यानी उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जी नहीं चाहता, मेरा आज खेलने के लिए जाने का मन नहीं, जी नहीं करता है, जी नहीं होता है। आपकी बुक में और भी बहुत से दिए हुए मुहावरे आप लोग देख कर लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है संधि विच्छेद, पुत्रोत्पत्ति, पुत्रोत्पत्ति का क्या होगा, इसको विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पुत्र प्लस उत्पत्ति। फिर उपसर्ग पहचानिए, उपसर्ग मैंने बताया था ना, जब किसी वर्ड के आगे जो अगर कोई शब्द है वो मीनिंग निकल रही है, लेकिन उसके आगे जब कोई हम दूसरा और भी शब्द लगा कर लगाते हैं और अर्थ उसमें और भी परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो उपसर्ग में यह है अप्रिय, प्रिय मीन्स होता है प्यारा, ठीक है, प्रिय का अर्थ होता है प्यारा, तो उसमें अगर हम आ लगा देते हैं, यानी जो मुझे प्यारा नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, अप्रिय, तो अप्रिय में उपसर्ग क्या है, नहीं फर्स्ट है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का अर्थ होता है एब्सेंट, हाजिर ना होना, एब्सेंट जिसको क्लास में बोलते हैं। तो इसमें अनु अना, ये उ की मात्रा जो है उ यहाँ पर उपस्थित, उपस्थित में उ पर अधसा काफी छोटी मात्रा, काफी छोटी मात्रा उपस्थित होता है, है उ की मात्रा इसमें लग गई है, तो क्या हो गया अनुपस्थिति, अनुपस्थिति इसमें उपसर्ग क्या है अन। दूसरा है अप्रिय, अप्रिय मतलब जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो प्यारा ना हो, तो इसमें क्या है उपसर्ग आप। अब उसके नीचे देखिए प्रत्यय पहचानिए, प्रत्यय पहचानिए शुभ चिंतक, अक, आवाज आपका आ रही है ना, शुभ चिंतक अक, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा अक। शीतलता, शीतलता में प्रत्यय क्या होगा तक। अब आपकी बुक में जितना भी दिया हुआ है प्लीज आप लोग उसमें से देख करके पूरा लिख लीजिए। अब मैं आप लोगों को FA प्रोजेक्ट वर्क का दे रही हूँ वर्क, और FA1 का पोर्शन लिखा रही हूँ, ठीक है।